सो हेलो गाइज, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। गाइज आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि टैक्स इन्फॉर्मेशन का फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसको फिल कर सकते हैं, जो कि अभी एयरसेस अकाउंट में एक नया अपडेट आया है जो कि बताया गया है कि अगर आप इस फॉर्म को फिल नहीं करते हैं तो आपको आपके एयरसेस अकाउंट से 24% शेयर्स काट लिए जाएंगे। तो आपको इससे बचने के लिए आपको ये फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा, फिल करना ही पड़ेगा। तो कैसे करते हैं इसको अप्लाई, कैसे करते हैं इसको फिल, मैं आप लोग का स्टेप बाय स्टेप बताने वाला इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा क्योंकि अब टाइम नहीं है, ये लास्ट अप्रैल तक आपको ये फॉर्म भरने का यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आप नहीं भर सकते, आपका 24% हमेशा काटते ही रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सीख लेते हैं कुछ नए से। पर छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना एडसेंस अकाउंट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको एक पॉपअप आया हुआ होगा, आपको सिंपल मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक कर देना है। देन आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको सिंपल ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एक पेज खुलता है और आपसे आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मांगा जाता है। और याद रहे गाइज, आपको वही ईमेल एंड पासवर्ड देना है जिस ईमेल से आप अपने एडसेंस अकाउंट को क्रिएट किए थे। और इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर गाइज आपसे पूछता है कि आपका अकाउंट इंडिविजुअल है या फिर नॉन इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब होता है गाइज कि आपका पर्सनल अकाउंट है, और नॉन इंडिविजुअल का मतलब होता है कि आपका बिजनेस अकाउंट है। तो यहाँ पर गाइज हमारा अकाउंट है इंडिविजुअल, यानी कि मेरा पर्सनल का अकाउंट है। तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि क्या आप US का सिटीजन है। तो जी नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं हूँ इंडिया से। तो मैं यहाँ पर नो पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। देन यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे देंगे, एक है W8BEN और दूसरा है W8ECI। ठीक है गाइस, तो आपको सिंपल ऊपर वाले पे टिक करना है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और उसके बाद एक और पेज खुल करके आ जाएगा। तो फाइनली गाइस यहाँ पे लोडिंग ले चुका है और यहाँ पे आपसे आपका आइडेंटिटी मांगता है। पहले नंबर पे आपका नेम, जो कि आपका फुल नेम जो भी आपके पैन कार्ड पे होगा वही आपको यहाँ पे फिल करा देना है। और सेकेंड नंबर पे यहाँ पे है डूइंग बिजनेस, क्या आपके पास कोई बिजनेस है। तो यहाँ पे आपको इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ पे आता है थर्ड नंबर पे, आप कहाँ के सिटीजन हो, कहाँ के रहने वाले हो, आपका अपना कंट्री सिलेक्ट करो। तो आपको अपना कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं हूँ इंडिया से, मैं यहाँ पे इंडिया ढूंढ करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद आपको करना है स्क्रोल डाउन, आपको जाना है नीचे की ओर, यहाँ पे आपको दिखाई देगा फॉरेन टीन, आपको यहाँ पे आपका अपना पैन कार्ड का जो नंबर होता है यहाँ पे फिल करा देना है। तो चलिए मैं फटाफट से अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। और इसके बाद जो है इसको आपको छोड़ देना है क्योंकि ये US के लिए है, यहाँ के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर गाइस आपको अपना एड्रेस डालना है जो कि आपके एडसेंस अकाउंट पे पहले से रजिस्टर था, सेम वही डालना है, कोई भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आपका एड्रेस परमानेंट है या फिर ये कुछ दिनों के लिए है। तो गाइस यहाँ पे आपको टिक कर देना है क्योंकि आपका परमानेंट ही होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करा देना है, जो भी आपका एड्रेस होगा, सिटी, पिन कोड, स्टेट वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद वो करना है स्क्रोल डाउन और कर देना है नेक्स्ट। और याद रहे कि कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, सेम एड्रेस होगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इसके बाद गाइस आपको दिखाई देगा यहाँ पे टैक्स ट्रीटी, तो आपको यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे आपको टिक करना है और यहाँ पर आपको अपना कंट्री फिर से सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर गाइस आपको दिखाई देगा सर्विस, आपको इस पर टिक करना है और यहाँ पर आपको आर्टिकल एंड पैराग्राफ पे क्लिक करके आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर इसको 0% ट्रीटी रेट रखना है और यहाँ पर दोनों को टिक कर देना है। और यहाँ पर आपको रेट रखना है 15% और यहाँ पर आपको आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A पे क्लिक कर देना है। और फिर आपको दोबारा से आपको यहाँ पे दोनों पे टिक करना है, यहाँ पे आर्टिकल एंड पैराग्राफ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A पे क्लिक करके यहाँ पे 15% रेट आपको रख लेना है। और यहाँ पर लास्टली आपको टिक करके नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर कुछ टाइम लोडिंग लेगा और यहाँ पर आपको एक पेज खुल करके आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ होगा I confirm that I have reviewed the granted tax documents। आपको सिंपल इस पर टिक करना है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको लास्टली यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, आपको सिंपल नीचे की ओर जाना है स्क्रॉल डाउन करके। और यहाँ पर आपसे आपका सिग्नेचर मांगता है, जिस प्रकार का आपके पैन कार्ड पे आपका नाम होता है आपको सेम उसी तरह से यहाँ पे लिख देना है। तो मेरा है MD इरफान रजा, तो मैं यहाँ पे MD इरफान रजा लिख देता हूँ। और यहाँ पर आपको पहले वाले यानी कि यस आई एम द पर्सन, इस पर आपको टिक करके नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन द US, तो आपको यहाँ पे सिंपल नो पे क्लिक कर देना है। और सबसे लास्ट में आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, पहला में होगा
कि आपने अभी तक कोई भी पेमेंट रिसीव्ड नहीं किया है, और दूसरा में हुआ कि हाँ आपने पेमेंट रिसीव्ड किया है एडसेंस या यूट्यूब से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कोई भी पेमेंट रिसीव्ड नहीं किया है अपने एडसेंस से, तो यहाँ पे मैं सिंपल ऊपर वाले पे टिक करूँगा, यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। इससे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एक टिक करना रह गया था जो कि आपको इसको भी टिक कर देना है, एंड आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। और ये देख सकते हैं गाइस यहाँ पे अप्रूव्ड हो चुका है। यहाँ पे अब कोई भी टैक्स इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे रूल्स हम लोग पे लागू नहीं होगा जो भी इसको भरता है। ठीक है, यहाँ पे कोई परसेंटेज मुझे अब नहीं देने पड़ेंगे। और ये फाइनली अप्रूव्ड हो चुका है, अब मैं यहाँ पर बिंदास हूँ। तो आप लोग फटाफट से इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, नहीं तो अब टाइम भी कम है, बाद में पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये था आज हमारा छोटा सा वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।